अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जीत, जब हम तुमसे पहली बार मिले थे ना, तो पता नहीं काहे ये दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि काहे हो रहा है। फिर जब जिंदगी ने हमें बार बार मिलाया, तो हमें तुमसे प्यार हो गया था। जी, तुम कोई प्यार व्यार तो नहीं करने लग गई हमसे? हाँ, फिर पता चला कि ये दिल तो किसी और का उधार है। फिर भी ना हमने अपने दिल को समझाया, बहुत समझाया। कोई बात नहीं गोपाला, किसी भी मुसीबत में, किसी भी दिक्कत में हम जीत के साथ खड़े रहेंगे। पर जी, तुम तो हमेशा से कृष्णा 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 ही करते रहे। दादी दादी दादी, वो गोपाला है ना, वो जीत को मार डालेगी। प्लीज दादी, हमारी बात सुनिए, उसे रोकिए। दादी, बाबूजी बाबूजी, आप हमें सुन सकते हैं क्या? हम क्या करें? अब गोपाला से बचाना है जीत को, वो जीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या करने वाली है आप? ना जीत के साथ ही रहिए, जीत को बिल्कुल अकेला मत छोड़िए। आप जाइए जीत के पास। बाबूजी, हमारी आवाज नहीं आ रही है, क्या करें? कैसे बचाएं हम जीत को? बाबूजी, क्या करें हम? तुम तो बहन हो ना, हमारी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें, तुम सुन पा रही हो हमें? गौरी, हमारी बात हम जानते हैं। आप लोगों ने जब से ऐसा कुछ हुआ है कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मू, हम जानते हैं आप कुछ नहीं खाएंगी। अम्मू, कम से कम पानी पी लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज नहीं, जब तक हमारी बच्ची कृष्णा उस हालत में है, हमरे तो गले से कुछ नीचे जाएगा ही नहीं। फिर एक बार जब हमारी शादी हुई ना जी, अब हमको लगा कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। पर फिर भी हमने ना तुमसे पूछा था जीत, पूछा था कि कोनो दुविधा तो नहीं है, पर तुम ही थे जिसने हमें रोका। जब कृष्णा वापस आए, तब तुमने हमरे तरफ मुड़के भी ना देखा। जी, जब तुम दोनों का गृह प्रवेश हो रहा था, हम वही खड़े थे, पर तुमने मुड़के ना देखा। हम बहुत तड़पे जी, बहुत तड़पे। तुम ही देखो जी, हम खेल देते हैं सबके लिए, खुशियां बांटते थे। आज सिर्फ दिल में बदले की आग चल रही, और वो भी
वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से जीत, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब ये जो पतली की आग है ना, इसमें तुम चलोगे जीत। उस कृष्णा का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा हमारे सामने। वही सारे फसाद की जड़ है, फिर भी आप सब लोगों को उसी की पड़ी है। वो तो जाएगी, साथ में हमारे बच्चे जीत को भी लेकर जाएगी। अगर हमारे जीत को कुछ हुआ ना, तो हम उस कृष्णा को आग लगा देंगे। नहीं 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 दादी, जैसा आप सोच रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, गुनहगार हम नहीं है, वो गोपाला, उसने किया है ये सब। और अभी भी वो जीत को मारना चाहती है, जान लेना चाहती है उसकी। प्लीज आप जीत को बचा लीजिए, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, किसी को हमारी हमारी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप सुन सकती है तो प्लीज जीत के पास जाइए, उसे ऐसे अकेला मत छोड़िए। गोपाला पे भरोसा नहीं कर सकते हम। आप सुन रही है हमें? आप सुन सकती है? आप भी नहीं सुन सकती हमें? हमें कोई नहीं सुन पा। शर्म नहीं आ रही आपको ये सब कुछ कहते हुए दादी? एक बार हमारी अम्मू की तरफ देखिए, उनकी हालत देखिए, ये भी कुछ खासा ठीक नहीं है। और रही बात जीत की, तो आपको क्या लगता है अम्मू को ये सब कुछ सुनाने से क्या जीत ठीक हो जाएगा, या फिर हमारी बहन खुद चलकर यहाँ आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा? कृष्णा ठीक हो या ना हो, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे बच्चे जीत को कुछ नहीं होना चाहिए। इतनी मतलब भी आप? क्या कहा आपने? अब इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है दादी? क्या कहा आपने? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्णा चाहिए यहाँ पर। हाँ, हमारी बहन है वो। आप सब भूल गई, हम याद दिला दें, हर बार हमारी बहन कृष्णा आपके साथ खड़ी रही, इस घर के साथ खड़ी रही, इस घर के हर शख्स के साथ खड़ी रही। लड़ी वो हमसे, लड़ी अपनी सगी बहन से, लड़ी हमारे खिलाफ खड़ी हुई ताकि आप सबके साथ खड़ी रह सके। सब भूल गई। अरे आप ये कैसे भूल सकती हैं कि हमारी बहन अगर आज कोमा में है ना, तो अब वो आपके पोते की जान बचाने की वजह से कोमा में है, उसके बाद भी आप ये सारी बातें कर रही हैं। सब नौटंकी है। किसने कहा था उसे इतना बड़ा त्याग करके हमारे मत पे मरने के लिए? अरे शांत हो जाइए आप लोग, ये बहस करने का, लड़ने झगड़ने का समय नहीं है। अभी जीत को बचाइए, जाइए उसके पास। सुन पा रहा है तो फिर हमारी मदद कैसे करेगा? क्या करे बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए चुप है, वरना हम अपनी बहन के खिलाफ ना एक और शब्द नहीं सुनेंगे दादी। गौरी, कुछ नहीं सुनेंगे हम उसके बारे में। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है वो। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, प्लीज ये सब बहस, लड़ाई, झगड़ा अभी मत कीजिए, इसका समय नहीं है। आप लोग पहले जीत को बचाइए। कोई मतलब ही नहीं है हमारे बोलने का, जब कोई हमारी सुन ही नहीं पा रहा है तो क्या करें? हमें कुछ करना होगा।
नहीं, अब ऐसे ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना होगा। पर क्या क्या करें? चाहे जो हो जाए, हम जीत को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अब ये पानी पीकर जीत बेहोश हो जाएगा, उसके बाद हम जो मर्जी चाहें उसके साथ कर सकते हैं। अरे मैं कुछ फंस गया है, किचन जा रहे थे पानी लेने के लिए। अच्छा तुम मिल के पानी हमें दे दो। ये पानी किसी और के लिए है, तुम किचन में जाओ, जाके दूसरा पानी ले लो। गौरी ये पानी मत पीना। कर दी ना तुमने गलती, अब तुम हमारी बात ना जरा ध्यान से सुनो। हम कृष्णा नहीं है, गौरी है। लाख लड़ाइयां हो हमारी बहन से, हजार झगड़े हो, मगर मरते दम तक ये सच नहीं बदल सकता कि वो हमारी सगी बहन है। कितना भी परेशान क्यों ना कर रहे उसे, मगर जब कोई और उसे परेशान करता है ना, हमारा खून खौल उठता है, और हम ये होने नहीं देंगे। आज तक हमेशा उसने हमारे साथ खड़े रहकर हमारा साथ दिया है, मगर अब हम उसकी ढाल बनकर उसके सामने खड़े हैं। हिम्मत के बारे में तो तुम सोचना भी मत। गौरी है, कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं जो वापस ना सके। तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे ना कि बर्बादी भी तुम्हारी हालत पर तरस खाएगी। बिना कफन के दफन कर देंगे तुम्हें, अगर तुमने हमारी बहन के खिलाफ कोई साजिश रचने के बारे में सोचा भी तो। और हाँ, एक बात हमारी अब भी रह गई है, और वो भी अपने दिमाग में फिट कर लेना और याद रखना, भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है, मगर उस भूल को सुधार लेना प्रगति है। अगर कुछ समझ गई हो तो जरा याद रखना। और रही बात इस पानी की, तो ये तो हम जरूर पियेंगे। नहीं गौरी, ये पानी मत पीना, इसमें कुछ मिला हुआ है। हो गई तुम्हारी बात, गजब भाषणबाजी करती हो। हाँ, और ये कहाँ नाटक लगा रखा है? तुम कृष्णा नहीं हो, गौरी हो, हम जानते हैं तुम गौरी हो। और तुम्हारी पापों की गिनती अगर हम गिनाते बैठे ना गौरी, तो दिन की रात के दिन हो जाएगी, और हमारे पास वक्त नहीं है। इसलिए चुपचाप जाओ, जाके दूसरा मान ले लो, हटो हमें रास्ते से। एक सेकेंड, ये भी क्या जल्दी? क्या मिला है तुमने इस पानी में? पूछ रही है
क्या मिलाया है तुमने इस पानी में? क्या है इसमें गोपाला? नहीं, अच्छे से तो हम भी तुम्हें जानते हैं। एक पानी के गिलास के लिए तुम इतना नाटक नहीं करोगी। जरूर कोई ना कोई बात तो है। बोलो क्या मिलाया है इसमें? शाबाश गौरी, पूछो पूछो इससे कि इसने पानी में क्या मिलाया है। और ये ग्लास ना तुम कहीं ले जाने मत देना। और तुम भी इस पानी को मत पीना। क्या हुआ सांप सुन गया? तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही चलता है का? तुम दोनों बहनों ने लगा के रखा? एक बहन ने हमरे जीत को इस तरह पर सुला दिया और एक है कि उसे उठने नहीं दे रही। मजा आता है ना तुम दोनों का? तो तुम दोनों ना ये खेल खेलते रहो, क्योंकि हमें तो अपने जीत का ख्याल रखना है। इसे कौन संभालेगा? हम संभालेंगे। इसीलिए ये जो पानी है ना, उसके लिए हम लेके जा रहे हैं। कौन हो दिक्कत? हटो अपने रास्ते से। गोपाला को रोको गौरी, रोको। गोपाला, इतना तो हम जरूर चाहते कि तुमने कुछ कुछ तो सोचा है। अगर क्या क्या हाल बना लिया है तुम बेटा? तेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। गोली और तेरे बीच कृष्णा खुद आई थी। तूने कुछ भी नहीं किया। अपने आप को दोष देना बंद कर। यही सही मौका है। कृष्णा के लिए बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें? तू एक काम कर, तू कमरे में चल और आराम कर। चल आजा, उठ आजा बेटा। जीत, पानी पी लो। नहीं, रुक जाओ, इसे मत पीना। इसे मत पीना, किसने कुछ पिलाया हुआ है इस पानी में? इसे हाथ मत लगाना, फेंक दो इसे। फेंको जीत, ये पानी फेंक दो। कहा हुआ जीत, ऐसे कहा देख रहे हो? तुम्हें प्यास लगी थी ना, पी लो। नहीं नहीं जीत, ऐसा मत करो। प्यास नहीं हमें। अजीत, तुमने तो कमरे में पानी मांगा था ना? हाँ, प्यास लगी थी तुम्हें, अब इसके लिए मना कर रहे हो? पी लो प्लीज। अरे क्यों हमारे पति के पीछे पड़ी हो? फेंको इसे। माँ जी, इनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है, आप ही समझाइए ना। जी बेटा, गोपाला इतने प्यार से लाई है पानी, पी लेना। ला बेटा। वरना किसी का बस चले ना तो इसे तो एक बूंद पानी भी नसीब न होने दे। आज कृष्णा की जगह तोका होना चाहिए था अस्पताल में। जीत,
अब देखिए अपना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।